डीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट थर्ड सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। तो आज हम डिस्कस करेंगे ठोस अवस्था का इंट्रोडक्शन और कुछ ठोस अवस्था में काम में आने वाली महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी। जैसा कि हमने गैसीय अवस्था पढ़ा है, द्रव अवस्था पढ़ा है, अब पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में जो पदार्थ है उसके अणु हैं या परमाणु हैं या आयन हैं परस्पर प्रबल आकर्षण बल द्वारा मजबूती से बंधे होते हैं। परस्पर प्रबल आकर्षण बल द्वारा मजबूती से बंधे होते हैं जिसके कारण इनके अवयवी कण गति नहीं कर पाते। इनके अवयवी कण गति नहीं कर पाते अतः इनका आकार व आयतन स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, परिवर्तनशील नहीं होता है। आकार व आयतन स्थिर रहता है। ठोसों को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस इस प्रकार के ठोस पदार्थों को वास्तविक ठोस माना जाता है। ट्रू सॉलिड इनको कहा जाता है। ये कठोर और असंपीड होने के साथ साथ एक निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं। इस प्रकार के ठोस पदार्थ हैं वो वास्तविक ठोस माने गए हैं। ये कठोर होते हैं, असंपीड होते हैं, यानी इनको दबाया नहीं जा सकता, कंप्रेस नहीं कर सकते। ये एक निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं, यानी इनकी जो शेप है वो निश्चित होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में NaCl, KCl, Na2SO4 etc. इस प्रकार के लवणों के जो क्रिस्टल होते हैं वो ट्रू सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारे पास में नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, इनको आवासी ठोस कहा जाता है। दूसरा इन्हें एमॉर्फस ठोस भी कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड भी कहलाते हैं। इस प्रकार के ठोस कठोर असंपीड तो होते हैं परंतु एक निश्चित ज्यामिति वाले नहीं होते हैं। इसमें उसमें अंतर महत्वपूर्ण यही है, इनकी ज्यामिति, इनकी साइज है, शेप है, को निश्चित होती है, लेकिन इनकी जो शेप साइज वो निश्चित नहीं होती है। इन ठोसों के कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिस प्रकार इन ठोसों के कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिस प्रकार द्रव में पाए जाते हैं, जिस प्रकार कण द्रव में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अति शीतित द्रव, अति शीतित द्रव, सुपर कोल्डेड लिक्विड माना गया है, सुपर कोल्डेड लिक्विड माना जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कांच, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा।
क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। गलनांक क्रिस्टलीय का तीक्ष्ण शार्प होता है जबकि इनका गलनांक शार्प नहीं होता है, ब्रॉड होता है। शीतलन वक्र क्रिस्टलीय का ऐसा तत्व होता है जबकि क्रिस्टलीय का ऐसा तत्व होता है जबकि अक्रिस्टलीय का कंटिन्यूअस होता है। वास्तविक ठोस है, अतिशीतित द्रव है, और जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थों में समदैशिकता का गुण पाया जाता है। अगला हमारे पास में यही टॉपिक रहेगा बच्चों, समदैशिकता और विषम दैशिकता क्या होती है, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। तो अगला जो हमारे पास में टॉपिक है बच्चों, समदैशिकता एवं विषम दैशिकता, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों समदैशिकता। आइसोट्रॉपी पदार्थों के विभिन्न भौतिक गुण जैसे ऊष्मा है, वैद्युत चालकता है, कठोरता है, अपवर्तनांक, अवशोषकता, तनन आदि के मान माप की सभी दिशाओं में समान होते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों के मान माप की सभी दिशाओं में समान होते हैं तो ऐसे पदार्थों को समदैशिक, आइसोट्रॉपिक सबस्टेंस, ऐसे पदार्थों को आइसोट्रॉपिक सबस्टेंस कहते हैं और पदार्थों के इस गुण को आइसोट्रॉपी यानी समदैशिकता कहा जाता है। पदार्थों के इस गुण को समदैशिकता कहा जाता है। सभी अक्रिस्टलीय पदार्थ, सभी अक्रिस्टलीय पदार्थ तथा घनीय संरचना युक्त क्रिस्टल, यानी इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल क्या है, सभी अक्रिस्टलीय पदार्थ प्लस और एग्जांपल क्या है, घनीय संरचना युक्त क्रिस्टल, घनीय संरचना युक्त क्रिस्टल, सभी अक्रिस्टलीय पदार्थ और घनीय संरचना युक्त क्रिस्टल समदैशिक पदार्थ होते हैं। अर्थात इस प्रकार के पदार्थों में समदैशिकता का गुण पाया जाता है क्योंकि इनमें अणु, परमाणु अथवा आयन किसी एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं जिससे इनमें भौतिक गुणों के मान सभी दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं। समदैशिकता यानी समान दिशा, सभी दिशाओं में जाने पर समान भौतिक गुण हमको प्राप्त होते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल। दूसरा हमारे पास में जो प्रॉपर्टी है वो है विषम दैशिकता। दूसरी प्रॉपर्टी है विषम दैशिकता। देखें विषम दैशिकता को समझने के लिए पहले उसकी डेफिनेशन समझें। विषम दैशिकता एनाइसोट्रॉपी पदार्थों के विभिन्न भौतिक गुण जैसे ऊष्मा अथवा वैद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक, तनन
आदि गुणों को क्रिस्टलीय पदार्थों में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापा जाता है तो उनके मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, उनके मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। ऐसे पदार्थ विषम दैशिक पदार्थ तथा पदार्थों के इस गुण को विषम दैशिकता कहते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थों में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था विषम दैशिकता का प्रमुख कारण होती है। यानी इस प्रकार के पदार्थों में जो अवयवी पार्टिकल हैं, अवयवी मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें एक नियमित व्यवस्था होती है, यानी नियमित तरीके से व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण के रूप में हम एग्जाम्पल के रूप में हम विषम दैशिकता को दो प्रकार के कणों के द्विविमीय नियमित व्यवस्था के आधार पर समझाया जा सकता है। जैसे हमने एक क्रिस्टलीय संरचना युक्त जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें इस प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसको समझने के लिए हम एक संरचना बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये हमारे पास में एक डबल लेयर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डबल लेयर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब हम इसमें दो रास्तों से जाते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर्टीज पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है, प्रॉपर्टीज के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। एक तो हम इधर गए, जैसे हमारे पास में ये है बच्चों एक्स वाई, और एक हम इधर जा रहे हैं, देखिए ये रास्ता है, ये हमारे पास में पी और क्यू है। एक्स वाई डायरेक्शन में जाने पर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट आ रहे हैं, जबकि क्यू से पी या पी से क्यू की दिशा में जाने पर एक तरफ माइनस माइनस दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ हमको प्लस प्लस दिखाई दे रहे हैं। यानी उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि एक्स वाई तथा पी की दिशाओं में उपस्थित कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, अतः इन दोनों दिशाओं में मापे गए कण के मान भी या कण के गुणों के मान भी भिन्न भिन्न होंगे। अपवाद जरूर है इसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में घनीय संरचना उन यौगिकों में कण इतने अधिक व्यवस्थित ढंग से होते हैं, यानी घनीय संरचना में कण इतने अधिक व्यवस्थित होते हैं कि सभी दिशाओं में इनकी व्यवस्था एक जैसी होती है, अतः भौतिक गुणों के मान भी सभी दिशाओं में एक जैसे प्राप्त होंगे, भौतिक गुणों के मान भी सभी दिशाओं में एक जैसे प्राप्त होंगे। अब समदैशिकता विषमदैशिकता को पढ़ने के बाद में कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है समदैशिकता का गुण और विषमदैशिकता का गुण, इसके बाद में एक छोटा टॉपिक और है हमारे पास में, इकाई कोशिका यूनिट सेल क्या होती है। हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनती है, बहुत सारी अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बनती है, तो इसलिए हमारी बॉडी की जो यूनिट है, इकाई है, वो कोशिका होती है। इसी प्रकार से हम एक बहुत बड़ा मकान बनाते हैं और मकान ईंटों से मिलकर बनता है, तो मकान की अगर हम इकाई माने तो हम उसको ईंट कह सकते हैं, इकाई कोशिका यूनिट से। किसी क्रिस्टल में अणु परमाणु अथवा आयनों के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने पर जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है वह क्रिस्टल की इकाई कोशिका अथवा एकक कोशिका कहलाती है, एक हमारे पास में है त्रिविम जालक, यानी बहुत सारी इकाई कोशिका, त्रिविम जालक, स्पेस लैटिस,
बहुत सारी इकाई कोशिका क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होकर जब एक बड़ा एवं उस इकाई कोशिका की आकृति के जैसा क्रिस्टल बनाते हैं, बड़ा होना चाहिए और उस इकाई कोशिका की आकृति के जैसा क्रिस्टल होता है तो उस क्रिस्टल को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं, उसको हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके बच्चों।